वेरी गुड इवनिंग टू स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट सम प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से लिया है। यदि किसी ट्राइंगल में ए कॉस ए, बी कॉस बी और सी कॉस सी का सम सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल स्मॉल एस के बराबर है तो यू हैव टू शो दैट कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। और आप यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये जो राइट हैंड साइड में स्मॉल एस लिखा है, स्मॉल एस कैन बी रिटन भाई ये तो ए कॉस ए, बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी हो गया और सेमी पेरीमीटर होता है इट इज हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का आधा, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। नाउ यू नो दैट आपने ये पढ़ा है साइन रूल में कि a अपॉन साइन a इट इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इट इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c और ये 2r के बराबर होता है। तो यहाँ से स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c का वैल्यू अपन यहाँ पर पुट अप कर देते हैं बोथ साइड। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल a हियर, यदि मैं स्मॉल a की जगह पर लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ 2r साइन a। तो इसको जब अपन 2r sin a लिखेंगे, इसको 2r sin b, इसको 2r sin c, तो वो जो r है वो कॉमन हो जाएगा। अब इधर 2 sin a cos a को लिख दिया है हमने sin 2a, फिर यहाँ 2 sin b cos b बनेगा विच इज sin 2b और 2 sin c cos c बनेगा विच इज sin 2c। सिमिलरली हाफ ऑफ हियर इन प्लेस ऑफ ए वी कैन राइट 2r sin a, तो 2r बाहर ले लिया हमने कॉमन और अंदर क्या आएगा sin a प्लस sin b प्लस sin c, ठीक है ना, बोथ साइड हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब आप देखिए ये पूरा टोटली r और ये पूरा r जो है वो कट जाता है 2 से 2 कट जाए, तो केवल इतनी क्या। और अब आपने कंडीशनल आइडेंटिटी से यू नो दैट साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी को अपन लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी, कंडीशनल आइडेंटिटी है। और साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई कंडीशनल आइडेंटिटी इट कैन बी रिटन 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गए। अगेन यू नो दैट कि एक पर्टिकुलर साइन ए को आप लिख सकते हो 2 sin a by 2 into cos a by 2, ऐसे ही sin b को क्या लिख सकते हैं 2 sin b by 2 cos b by 2 और sin c को आप बेटा कितना लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बेटा 2 sin c by 2 cos c by 2। राइट हैंड साइड में cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 remains as such। अब देखिए बोथ साइड क्या कैंसिल हो जाता है बेटा, cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2, both side cancel हो जाएगा। After cancellation, left hand side में हमारे पास बच गया 8 times, 2, 2 जा, 4, 2 जा, 8, 8 times बचेगा, है ना, तो 8 times में से मैंने 4 बाहर रखा है, अंदर 2 sin a by 2, sin b by 2, और sin c by 2, ऐसा लिख लिया, चलेगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वही 8 टाइम्स आ रहा है, तो 4 2 जा 8 हो गया, बाकी सब आपका सेम आ गया। राइट हैंड साइड में 1 है। अब नाउ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यू नो दैट 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी और दिस साइन सी बाय 2 रिमेन्स एज सच, 1 रिमेन्स एज सच। नाउ वी ओपन दी ब्रैकेट, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2 cos a माइनस बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 माइनस cos a प्लस बी बाई 2 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा साइन सी बाई 2 लिख सकते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी से, तो दिस बिकम्स 2 sin स्क्वायर c बाई 2 इक्वल्स टू 1। राइट हैंड साइड इनको ट्रांसफर कर दीजिए, सो आपको साइन c बाई 2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है कि 2 sin square c by 2 minus ka twice of cos a minus b by 2 into sin c by 2 plus 1 equals to 0। अब आप देखिए this is a quadratic equation in sin c by 2, तो
अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसा सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व नहीं करना है इसको, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है तो रूट्स रियल होंगे, मतलब ए बी सी जो है वो रियल एंगल्स होंगे, और इसलिए इसके रूट्स रियल आने चाहिए, और रूट्स रियल आने के लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू आएगा ये माइनस फोर ए सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये आना चाहिए। मतलब दिस इंप्लाइज की कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन आना। बट यू नो दैट की कॉस कभी भी वन से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कॉस ए माइनस बी बाई टू कितने के बराबर आना चाहिए, कॉस ए माइनस बी बाई टू आना चाहिए वन के बराबर। ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता, तो इक्वल टू वन होगा, और अपन जानते हैं वन मतलब कॉस जीरो, तो यहाँ से ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो, तो यहाँ से ए माइनस बी आ जाता है जीरो। दिस इम्प्लाइज एंगल ए एंड एंगल बी कैसा हो जाएगा, बराबर। तो सिमिलरली देखिए, अभी जैसे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में ए और बी साथ में लिया था तो हमारा ए और बी बराबर आ गया था, जब आप बी और सी को साथ मिलेंगे तो सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली वी कैन शो दैट कि बी बराबर सी, और यहाँ से आ गया ए बराबर बी, तो ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, देन वी से दैट कि ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल शो हो जाता है। एक बार और देखेंगे सॉल्यूशन। भाई ये तो मेरे को क्वेश्चन दे रखा था, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी अपन जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर करेंगे तो यहाँ पर हाफ आ गया। ये साइन रूल से हमने स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी को एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद कंडीशनल आइडेंटिटी यहाँ पर लगी है, कंडीशनल आइडेंटिटी यहाँ पर लगी है, फिर यहाँ पर साइन टू थीटा के फॉर्मूला लगाए हैं हमने। कैंसिलेशन के बाद हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको नहीं निकालना बेटा, आप क्या बोलोगे कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ए बराबर बी आता है। सिमिलरली वी कैन शो दैट बी बराबर सी, हेंस ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम ऑफ द डे। थैंक यू सो मच।